ये रहा भाई, एक और पकड़ा गया, एक और पकड़ा गया। जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, सबको जाना पड़ेगा। जैसे ही चेक कंप्लीट होगा, मैच स्टार्ट हो जाएगा, कोई काउंटडाउन नहीं आएगा, किसी किस्म की कोई आप लोग को इंस्ट्रक्शन नहीं मिलेगी। जैसे ही ये चेक कंप्लीट होगा, मैच स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि मोबाइल ओनली प्लेयर के लिए मैच है एक्सक्लूसिवली। पहली दफा आप लोग की रिक्वेस्ट पे टर्मिनेटर जी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, पहली दफा एक्सक्लूसिवली मोबाइल ओनली मैच मेरे चैनल पे हो रहा है। फाइनल मोमेंट्स चल रहे हैं, फाइनल चेकिंग चल रही है, कोई हमें इम्यूलेटर प्लेयर नजर नहीं आ रहा। और 3 2 1 लेट्स गो बेबी। एक दफा फिर 6 प्लेयर्स जाएंगे, सॉरी फॉर दैट। और 74 रह गए हमारे पास, 74 बंदों के साथ फाइनली पहली दफा मैंने जो है इम्यूलेटर ओनली मैच स्टार्ट कर दिया है अपने चैनल पे। बताओ कैसा लगा? यस, ये एक ब्रेकिंग न्यूज ही है, पहली दफा मोबाइल ओनली मैच हो रहा है मेरे चैनल पे। आज तक पिछले 6 महीने से हम लोग तकरीबन गिव अवेज करा रहे हैं, आज तक मोबाइल ओनली मैच हम लोग ने नहीं कराया। बहुत अच्छे से मुझे आप लोग की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मोबाइल ओनली मैच होना चाहिए, तो भाई पहली दफा आप लोग की रिक्वेस्ट पे रिवॉर्ड मैच 660 UC ओनली मोबाइल प्लेयर्स। 74 प्लेयर्स हमें ज्वाइन कर पाए सिर्फ, लेकिन सारे के सारे मोबाइल प्लेयर्स ने ज्वाइन कर लिया है। देखते हैं अब क्या रिजल्ट निकलता है। गेमर साइंटिस्ट, आपका चैनल भी ब्रो मैंने देखा है, आप वहां पे भी हैकिंग टिप्स ही दे रहे हो, तो भाई इसलिए हमें तो डाउट है, हम तो अपने चैनल पे अलाउ नहीं कर सकते इस तरह की। जब आप ऑफिशियली टिप्स भी दे रहे हो और स्क्रिप्ट्स भी दे रहे हो लोगों को, तो इतनी प्रमोशन आपके लिए मेरा ख्याल है काफ़ी है। इतना मैंने अपने चैनल पर बता दिया अपने सारे व्यूअर्स को कि भाई अगर हैकिंग की स्क्रिप्ट चाहिए तो गेमर साइंटिस्ट भाई से आप लोग को मिल सकती हैं। खेलना मैं नहीं अलाउ कर सकता भाई, मैं आपकी प्रमोशन कर सकता हूं, आपको खेलना नहीं अलाउ कर सकता, यहां पे सिंपल सी बात है। ऋषि कुमार पूछ रहे हैं कितना यूसी मिलेगा। भाई 660 यूसी मिलेगा, आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ नजर आ रहा है 660 यूसी। और जब आप चिकन डिनर इस मैच में लेने में कामयाब अगर हो जाओगे तो आपको मिल सकेगा 660 यूसी। शेयर करो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ और सब्सक्राइब करो चैनल को, नोटिफिकेशंस को ऑन करो। वीकडेज में भी हम लोग स्ट्रीम करते हैं, जब भी हम लोग स्ट्रीम करें आप लोग को पता चल सके, तो इसके लिए ज़रूरी है नोटिफिकेशंस को ऑन रखो सब्सक्राइब करके। और टर्मिनेटर जी से स्टार्ट करना चाहूँगा, नंबर 12 पे बैठे हुए हैं, कहाँ ड्रॉप हो रहे हैं विकेंडी में, लेट्स सी। थैंक यू टेक्निकल, थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग मिस्टर मैग्निफिसेंट। आई एम योर न्यू सब्सक्राइबर दानिश गेमिंग, भाई आप अगर न्यू सब्सक्राइबर हो तो थैंक यू बोलेंगे, आपको वेलकम करेंगे चैनल पे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि शेयर करो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो। यार आप लोग शेयर बिल्कुल नहीं करते, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, सारे फेसबुक ग्रुप्स जो आप लोग ने ज्वाइन करे हुए हैं उन पर शेयर करो, जहाँ जहाँ आप लोग ने व्हाट्सएप ज्वाइन कर रखा है वहाँ वहाँ शेयर करो इस वीडियो के लिंक को। और आपके जो स्कूल फ्रेंड्स हों, जो आपके मदरसे के फ्रेंड्स हों, जो आपके ट्यूशन के फ्रेंड्स हों, जो आपके स्पोर्ट्स क्लब के फ्रेंड्स हों, जो आपके पूंडी फ्रेंड्स हों, जो आपके साथ कोई ना कोई मस्ती करते हों, जो आपके साथ किसी भी किस्म का हल्ला गुल्ला करते हों, उन सबको मैसेज करो, SMS करो, उन सबको कॉल करो, कॉल करके बताओ कि इस चैनल को ज्वाइन करना है। इस चैनल को पाकिस्तान का सबसे बड़ा गेमिंग चैनल बनाना चाहते हैं हम लोग, और ओपन टू ऑल चैनल है ये। आज मुझे लिखना भी पड़ा अपने टाइटल में और हर जगह कि भाई वर्ल्ड वाइड चैनल है हमारा, हम पाकिस्तान का नाम ज़रूर लेते हैं, पाकिस्तान में बैठे हैं, पाकिस्तान से प्यार करते हैं, लेकिन रिवॉर्ड गिव अवेज हमारे पूरी दुनिया में चलते हैं। हम लोग ने रजिस्टर्ड टूर्नामेंट्स के ज़माने में, क्योंकि वो लिख के होता था, उसमें उर्दू नहीं इंग्लिश में सारी बात होती थी, तो उस ज़माने में हम लोग ने फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया और भी बहुत सारी जगहों पर रिवॉर्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है, कनाडा में। और आजकल क्योंकि सिर्फ उर्दू में हम लोग बात करते हैं और सिर्फ इस तरह के लाइव इवेंट्स करते हैं,
तो इसमें जो है ज्यादातर लोग समझते हैं कि भाई सिर्फ पाकिस्तान के लिए है, ऐसा नहीं है। कहीं से भी आप इस चैनल को ज्वाइन करें, फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड यू कैन ज्वाइन दिस चैनल। एंड इफ यू टेक चिकन डिनर ऑन माय चैनल, यू कैन गो ऑन माय वेबसाइट एंड क्लेम योर रिवॉर्ड, एंड आई कैन कॉन्टैक्ट यू एंड डिलीवर योर रिवॉर्ड डायरेक्टली इन योर अकाउंट। दैट्स वेरी सिंपल। ऑल द डिटेल्स आर अवेलेबल ऑन माय वेबसाइट play2earn.org, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। यू कैन विजिट माय वेबसाइट एंड चेक आउट ऑल द डिटेल्स। यम राजू लिख रहा है नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। यम राजू का तो मुझे लिखा हुआ नहीं नजर आया भाई, यम राजू का तो मुझे लिखा हुआ नहीं नजर आया। क्लैन रिवॉर्ड, अब्दुल्ला प्राचा मुझे नहीं पता आप किस किस्म के क्लैन रिवॉर्ड की बात कर रहे हो। टर्मिनेटर जी के पास ज्यादा एक्शन नहीं देखने को मिल रहा, हम चलते हैं द बीस्ट अमन काजी के पास और देखते हैं यहां पे क्या शुगल मचाया हुआ इसने। कमेंट करते जाओ, साथ साथ बताते जाओ कैसा लग रहा है आज का शो, फीडबैक देते जाओ, साउंड कैसा आ रहा है, ग्राफिक्स कैसे लग रहे हैं, क्या देखना चाहते हो क्या नहीं देखना चाहते। व्यूअर्स चॉइस चैनल है मेरा, चिल्ड्रन फ्रेंडली चैनल होने का तो दावा हम कर ही चुके हैं। अब हम लोग अचीव करना चाहते हैं व्यूअर्स चॉइस चैनल का टैग, कि जो मेरे व्यूअर्स चाहेंगे वो सब करके दिखाएंगे हम लोग, जो भी मेरे व्यूअर्स बोलेंगे। तो जल्दी जल्दी इस चैनल को शेयर करो, ऐसा चैनल आप लोग को कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। बैक टू बैक गिव अवेज होने वाले, बहुत सारे इलीट पासेस देके जाने आज, आज रिकॉर्ड तोड़ स्ट्रीम करनी है। तो जल्दी से जल्दी, और लाइक का बटन जरूर दबाओ, लाइक का बटन नहीं दबाते आप लोग, लाइक का बटन जरूर दबाओ। रीपर्स को देखना चाहते हैं, रीपर्स को देख लेते हैं। कौन सा रीपर भाई, लाला को दिखाएं, लाला को देखना आसान है, लाला हमेशा अच्छे स्पॉट्स पे बैठता है, ढूंढना आसान, लाला को देखो आप लोग। और इसके बाद बल्कि लाला के पास तो एक्शन भी हो रहा है, लाला के पास एक्शन भी है। एचएस बिलाल खान इधर ही आए हुए हैं और देखते हैं भाई यहाँ पे लावा फेंके जा रहा है ये बंदा, क्या कर रहा है, छत पे आग लगा दी है इसने। छप्पड़ फाड़ परफॉर्मेंस दिखाने के चक्कर में इसने छप्पड़ पे ही आग लगा दी। बेटा ऐसे नहीं होता पबजी में, पबजी में छप्पड़ फाड़ परफॉर्मेंस दिखाने के लिए किल करना पड़ता है। घूम के आ गया बिलाल खान, बड़ा जबरदस्त, लेकिन फायदा नहीं उठा सका अपनी इस हरकत का, फायदा नहीं उठा सका, हेल्थ पूरी खो बैठा है। गन चेंज कर ली लाला क्रॉट ने रिलोडिंग करने से बेहतर, और एक किल कर लिया है फौरी तौर पे, पहला किल आज का एक दफा फिर। आज लाला क्रॉट ऑन फायर भाई, वार्म अप में भी पहला किल आज लाला क्रॉट का दिखाया था हमने, और गिव अवे मैच में भी पहला किल आज लाला क्रॉट का आप लोग को दिखा रहा हूं। ये देखो किल करना पड़ता है। घूम के आ गया बिलाल खान, बड़ा जबरदस्त, लेकिन फायदा नहीं उठा सका अपनी इस हरकत का, फायदा नहीं उठा सका, हेल्थ पूरी खो बैठा है। गन चेंज कर ली लाला क्रॉट ने रिलोडिंग करने से बेहतर, और एक किल कर लिया है फौरी तौर पर। स्किल था, सही वक्त पे आए हम लाला के पास। अब रीपर्स एएम को देखने की कोशिश कर लेते हैं भाई, काफी देर से मुझे रिक्वेस्ट आ रही है, तो रीपर्स एएम को देखने की कोशिश कर लेते हैं। भाई मेरी स्क्रीन पे अगर आपको रीपर्स एएम का नाम लिखा हुआ नजर आ रहा हो तो मुझे भी नंबर जरूर बताओ कौन से, ये रहा, ये रहा 15 नंबर पे रीपर्स एएम फॉर यू स्पेशली। बल्कि इसको इस तरह करेंगे, ब्रेकिंग न्यूज आप लोग के लिए इस वक्त मेरे चैनल पे, पहली दफा मैं देख रहा हूं रीपर्स एएम ने मेरे चैनल को ज्वाइन कर लिया है, और देखते हैं क्या दिखा पाते हैं हमें रीपर एएम। कामरान आफरीदी लाला क्रॉट को गुड लक विश करते हुए, भाई गुड लक टू यू ऑल। 660 यूसी आप में से कोई भी ले सकता है, 49 इंडिविजुअल्स रह गए हैं हमारे पास इस वक्त, जिनमें से
कोई भी हो सकता है जो आज 660 लेके जाएगा। जो मेरी हो फैंटेसी मेरे सपनों में रह लो ना, जो चाहे मांगो जो चाहे ले लो ना। सॉरी फॉर दैट। रीपर्स एएम के पास बिल्कुल भी एक्शन नहीं देखने को मिल रहा, किसी दूसरी तरफ जाने की कोशिश करेंगे। म्यूजिक को क्या हो गया भाई एकदम? ओ माय म्यूजिक, ऑलराइट। रीपर्स एएम के पास बिल्कुल भी नहीं एक्शन नजर आ रहा मुझे, मुझे लग रहा है किसी और के पास जरूर जाना चाहिए। कमेंट करके बताओ किसको देखना चाहते हो, आपके कोई भी फ्रेंड्स अगर देख रहे हो उनका गेम प्ले आप लोग को जरूर दिखाएंगे। टर्मिनेटर जी मुझे नहीं नजर आ रहे, टर्मिनेटर जी आई थिंक है अभी तक किल नहीं किया कभी। कम ऑन टर्मिनेटर, कोई एक्शन दिखाओगे या नहीं भाई? कैंपिंग नहीं करनी यहाँ पे, आ गया ये एक्शन में आ गया, काफी सारे लोगों के साथ फंस चुका है। देखते हैं अब इसके साथ क्या सलूक करते हैं ये लोग। एच एस वाले नजर आ रहे हैं, एडब्ल्यू एम वाले नजर आ रहे हैं, टर्मिनेटर लॉर्ड भी इधर ही नजर आ रहा है। लेट्स सी यहाँ पे क्या सीन होता है। भाई ये न्यू सॉन्ग आज मेरे हाथ लगा है, इसको मैं अपनी वीडियो में इंक्लूड कर रहा हूँ। काफी सारे लोगों ने यूट्यूब पे लगाया हुआ है तो आई होप कॉपीराइट का इश्यू नहीं आएगा, लेकिन अगर फिर भी अगर किसी को इस सॉन्ग पे कॉपीराइट का इश्यू है तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो और जो भी आपके इश्यूज हैं मैं उसको रिजोल्व कर दूंगा। और एक टर्मिनेटर जी के पास बिल्कुल भी एक्शन नहीं मिल रहा हमें। बाबा यागा को देख लेते हैं, काफी रेगुलर प्लेयर है मेरे चैनल के, बाबा यागा अच्छा खेलते। बाबा यागा के पास एक्शन नजर आ रहा है। इसके बाद आपको पाइथन भी दिखा देता हूं भाई। बिल्कुल मुझे यहाँ पे राइट पे एक बंदा नजर आया है, आई डोंट नो बाबा यागा को नजर आया है या नहीं। नंबर 34 एसटी जेन यहाँ पे दूर चला गया, इससे दूर चला गया, यहाँ पे है इधर ही लेकिन कोई फायदा नहीं। आप लोग को दिखाता हूं मैं पाइथन, ये लो पाइथन के पास एक्शन स्ट्रेट अवे। दो तीन बंदों में फंसा हुआ है, काफी सारे बंदे हैं बल्कि यहां दो तीन से ज्यादा है। ऑलराइट, पाइथन के पास ज्यादा एक्शन नहीं देखने को मिल रहा, रीपर्स को जाके देखते हैं। एलजीएन एक क्लैन आज मुझे ज्वाइन किया हुआ है, मैं देख रहा हूँ काफी सारे प्लेयर्स आए हुए हैं एलजीएन के। मैं देखना चाहूंगा भाई, काफी अरसे से कोई नॉन पाकिस्तानी प्लेयर मेरे चैनल पे विन नहीं कर सका। जितने क्लैन पॉइंट्स भी अभी आप लोग ने देखे सारे के सारे ही पाकिस्तानी क्लैंस हैं,
और कोई भी नॉन पाकिस्तानी क्लैन मेरे चैनल पे अभी तक विन नहीं कर सका। बहुत अरसा हो गया मेरे इस तरह की, जब से स्ट्रीम शुरू हुई है 3 महीने से तकरीबन, सिर्फ पाकिस्तानी विनर्स ही हमारे चैनल पे आ रहे हैं। तो मैं आज देखना चाहूँगा कोई नॉन पाकिस्तानी प्लेयर हमारे चैनल पे जीत पाता है या नहीं। रीपर्स के पास मैं आ चुका हूँ भाई, यहाँ पे कोई एक्शन देखने की कोशिश करेंगे। एसआर पाइथन भी मुझे इधर ही नजर आ रहे हैं और एसआर पाइथन को पड़ गई, लेकिन एसआर पाइथन ने किल कर दिया। काफी हेल्थ डैमेज हुआ एसआर पाइथन का, लेकिन एसआर पाइथन ने बचा लिया अपने आप को। टू सैड, हम स्क्रीन चेंज कर चुके थे इस वक्त। जेड सी मॉन्स्टर को देखना चाहते हैं, जेड सी मॉन्स्टर को भी देख लेते हैं। ये आ गए जेड सी मॉन्स्टर आप लोग की स्क्रीन पे। हर तरफ ही एक्शन नजर आ रहा है मुझे, 30 स्टिल अलाइव, काफी सारे प्लेयर्स अभी भी मुझे नजर आ रहे हैं क्लस्टर्स में। देखते हैं कोई एक्शन और देखने को हमें मिलता है या नहीं। यस अंसर खान बोले भाई। दानिश गेमिंग पूछ रहे हैं आप कहां से हो। भाई मैं पाकिस्तान से हूँ, कराची से हूँ। शेयर करो वीडियो को गाइस, स्टॉप नहीं करो शेयर करना। जैसे आप लोग किल हो जाओ फौरन आके वीडियो को शेयर करा करो अपने फ्रेंड्स के साथ और उनको याद दिलाया करो। नई नई जगहों पे ढूंढो, ढूंढो नई नई जगहें, नए नए फेसबुक के ग्रुप्स ढूंढो, इंस्टा के पेजेस पे लगाओ, स्नैपचैट पे लगाओ, टिकटॉक पे वीडियोस बना के लगाओ कि भाई ऐसे। और टर्मिनेटर जी ने टर्मिनेटर लॉर्ड को किल कर दिया है अभी अभी। टर्मिनेटर जी ने टर्मिनेटर लॉर्ड को अभी अभी किल कर दिया है। ये क्या हमें देखने को मिला है, टर्मिनेटर वर्सेस टर्मिनेटर। मिस कर गया मैं इस एक्शन को भी। टर्मिनेटर लॉर्ड गया यार, अब्दुल रऊफ टर्मिनेटर लॉर्ड गया, फीड में देखा मैंने, टर्मिनेटर जी ने मारा उसको। लाला को देखे 99, ऑल राइट लाला को देख लेते हैं। लाला यहां पे दोबारा हमें क्या लाला ला करके दिखाएगा। कोई लाला ला नहीं है लाला के पास, और ब्लू जोन के कॉर्नर पे एक छोटे से हट में छुपा बैठा है। जेब नहीं देती लाला ये हरकतें आपको, आपके नाम को और आपके स्टैचर को ये हरकतें जेब नहीं देती। घुस के फट जाओ लोगों में, कम ऑन एक्शन दिखा दो। ऐसे नहीं रिप्लेस देखने को मिलेंगे बेटा, ऐसे नहीं रिप्लेस में इंक्लूड हो गए। ये HSNP जो है ST वालों के साथ एक बहुत क्लोज आ चुके हैं। देखते हैं यहां पे क्या शुगल मेला मचा हुआ है। कॉस्मोड्रोम में एक बंदा हैकर है, चेक हिम, नेम नहीं देखा। मिस्टर मैग्निफिसेंट को भी स्पेक कर लेते हैं बिल्कुल, और फिर उसके बाद जो हमें फीडबैक आ रही है उसको भी देख लेते हैं। मिस्टर मैग्निफिसेंट मुझे नहीं नजर आ रहे अलाइव भाई, 23 बंदे सिर्फ अलाइव रह गए, इसमें मुझे मिस्टर मैग्निफिसेंट का नाम नहीं नजर आ रहा। कॉस्मोड्रोम कौन है, कॉस्मोड्रोम, अच्छा कॉस्मोड्रोम एरिया है, अब समझ आया एरिया होगा कॉस्मोड्रोम, मुझे नाम नहीं पता ना असल में इस एरिया के। वेकेंडी अपन ने खेला नहीं है ना इतना, तो यहाँ पे तो भाई KD वाले हैं, SR वाले हैं, ऐसा लाला यहाँ पर है, ST यहाँ पर है, HSP यहाँ पर है, ST है। कॉस्मोड्रोम से तो निकल भाई पप्पी को लीडर भाई। भाई आप जब तक नाम नहीं बताओगे हम कुछ नहीं कर सकते यार उसका। KD एफरिन को देख लेते हैं, KD वालों ने भी ज्यादा मैचेस नहीं खेले हमारे साथ, थोड़ी देर KD को देख लेते हैं। टेक्निकल आ बोल रहे हैं मेरे को निकाल दिया, टेक्निकल आ अगर आपको निकाला होगा तो भाई आप इम्यूलेटर से बैठे होगे और ये पहला मैच इम्यूलेटर वालों के लिए नहीं है। अगर आप इम्यूलेटर से नहीं बैठे थे तो मैंने नहीं निकाला, PUBG ने निकाला होगा। मैंने सिर्फ इम्यूलेटर वालों को निकाला इस मैच में, वो भी बड़ा दिल पे पत्थर रख के करना पड़ा क्योंकि बड़ी डिमांड आ रही थी ओनली मोबाइल वालों की, और ओनली मोबाइल मैच में तो इंडियन प्लेयर्स बड़ा